मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी और लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम कंप्लीट किया। जैव प्रक्रम में हमने तीन मुख्य जैव प्रक्रम पढ़े हैं। एक पढ़ा हमने पोषण, फिर श्वसन, फिर उत्सर्जन। ऐसा नहीं है कि मनुष्य में सिर्फ तीन ही जैव प्रक्रम है। मनुष्य के शरीर में लगभग 12 प्रक्रम या सिस्टम, जिनको सिस्टम बोलते हैं, वो कार्य करते हैं। जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इस प्रकार से लगभग 12 जैव प्रक्रम हमारी बॉडी में कार्य करते हैं, जो मिलजुल के कार्य करते हैं। कोई एक अकेला जैव प्रक्रम सारी की सारी क्रियाएँ नहीं कर सकता, वो एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करते हैं, तब जाके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। देखो, हमने 10th क्लास में ये जैव प्रक्रम ही पढ़े, बाकी हमने नहीं पढ़े, जैसे तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, कंकाल तंत्र, ये हमने लास्ट वीडियो में नहीं पढ़ा इनको, मतलब 6th चैप्टर में नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये जो तीन जैव तंत्र हैं, ये ऐसे जैव तंत्र हैं जिनके बिना जीवित रहना असंभव है। ऐसा तो मतलब ऐसा नहीं है कि इनके बिना हम जीवित रह लेंगे, इनके बिना भी नहीं जीवित रह सकते, बट इनके बिना हम कुछ टाइम के लिए भी जीवित नहीं रह पाएंगे। जैसे हम भोजन के बिना ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन तक जीवित रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जीवित रह सकते। श्वसन के बिना तो हम 2 मिनट भी बिना सांस रोक के नहीं रह सकते, मृत्यु हो जाएगी। उत्सर्जन तंत्र मतलब अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में इकट्ठे हो जाएंगे, तब भी मनुष्य ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। लेकिन जो इस साइड मैंने लिखे, इनके बिना मनुष्य जीवित रह सकता है, मतलब कुछ दिनों तक। जैसे मान लो तंत्रिका तंत्र, किसी का तंत्रिका तंत्र काम नहीं कर रहा, मतलब ब्रेन काम नहीं कर रहा। जैसे कुछ लोग होते हैं जो मेंटली इल होते हैं, वो जीवित तो होते हैं और पैदा मान लो मेंटली रिटार्डेड ही हैं, तंत्रिका तंत्र काम नहीं करता ठीक से, लेकिन वो जिंदा तो होते ही हैं। और इसी प्रकार जनन तंत्र, मान लो बॉडी में अगर कोई आदमी जनन नहीं करता तो क्या वो जीवित नहीं रहता? वो जीवित होता है। मान लो किसी का जनन तंत्र काम नहीं कर रहा, ऐसे होते भी हैं, आपने देखा भी है कि जो मेल है उसमें फीमेल करेक्टर आ जाते हैं, किसी फीमेल में मेल करेक्टर आ जाते हैं, तो उनका कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो वर्किंग में ना भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुरंत मर जाएंगे। कंकाल तंत्र है, जैसे अगर किसी की हड्डी है थोड़ी बहुत डैमेज है, तो उसमें वो अपाहिज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मर ही जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इन सभी तंत्रों में जो हमारी बॉडी में है, ये जो तीन तंत्र हमने पढ़े हैं, ये ऐसे हैं जिनके बिना जीवित रहना बिल्कुल असंभव है। बाकियों के बिना थोड़ा बहुत आदमी जीवित रह भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने सिर्फ तीन जैव प्रक्रम पढ़े थे 6th लेसन में। आज हम अपना 8वां चैप्टर शुरू करते हैं, और उस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जनन किस प्रकार करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनन क्या होता है, जीव जनन क्यों करते हैं, जनन के कितने प्रकार हैं, पुष्पी पौधों में जनन किस प्रकार होता है, मनुष्य में जनन किस प्रकार होता है, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब गर्भ निरोधन के उपाय क्या है, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर में हमने पढ़ना है। देखो, अब बात करते हैं हम जनन की, हम जनन पे आते हैं, क्योंकि हमारा पाठ का नाम है जीव जनन क्यों करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना मेन टॉपिक, जो है क्या, जनन। जनन मतलब रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक प्रकार का क्या है, ये जैव प्रक्रम ही है। अभी तो मैंने बताया था जैव प्रक्रम है जो हमारी बॉडी के अंदर चलता है। अगर जैव प्रक्रम है तो इसमें भी कोई ना कोई हमारी बॉडी का तंत्र काम करेगा, और उस तंत्र का नाम है जनन तंत्र, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी के शरीर में पूरा का पूरा तंत्र ही काम करता है, पूरा का पूरा तंत्र काम करता है उन जीवों में जिनके अंदर अंग तंत्र बन जाता है। देखो, अंग तंत्र का मतलब क्या है, मैं बार बार बोलता हूँ, सभी जीव बनते किससे हैं, कोशिकाओं से। सेल मतलब कोशिका, ये कोशिका है, कोशिका जुड़ती है तो बनता है उत्तक, उत्तक जुड़ते हैं तो बनते हैं अंग,
अंग जुड़ते हैं तो बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र जुड़ते हैं तो बनता है शरीर, पूरी बॉडी बनती है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, यहाँ बन जाता है ऑर्गन सिस्टम के जुड़ने से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ अंग तंत्र की, तो जनन तंत्र ये भी एक अंग तंत्र है। तो इसका मतलब है इसमें बहुत सारे अंग जुड़े होंगे, लेकिन अंग तो उनमें होते हैं जिनमें अंग बन चुके होंगे, लेकिन सभी जीवों में अंग नहीं होते। बहुत सारे एक कोशिकीय जीव भी हैं, बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं जो बहुकोशिकीय हैं लेकिन जिनमें ऊतक नहीं बनते। तो सब जनन तो सभी जीव करेंगे, तो वो जीव किस प्रकार जनन करते हैं हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो जैव प्रक्रम है, ये एक प्रकार का जैव प्रक्रम है जो हमारे शरीर में चलता है। देखो इस अर्थ पे जो भी जीव जन्म लेता है उसको एक समय अवधि को पूरा करना होता है, मतलब उसका एक लिमिटेड टाइम है इस अर्थ के ऊपर। वो जन्म लेगा, पहले उसका जन्म हुआ, उसके बाद कुछ साल के बाद वो युवावस्था में आता है, भाई युवावस्था, उसके बाद उसके अंदर आ जाता है बुढ़ापा और मृत्यु हो जाएगी। यहाँ जन्म से और मृत्यु के बीच के टाइम को बोलते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, प्रत्येक जीव का अपना एक लाइफ स्पैन है, मतलब समय अवधि है वो कितने साल तक जीवित रहता है। जैसे अगर हम एक मच्छर की बात करें तो वो 7 दिन तक जीवित रहता है मैक्सिमम। मनुष्य की बात करें हम, मनुष्य की हमारे साल, हमारे जो देश है इसमें लगभग एवरेज जो मानी जाती है एज 64 ईयर्स हमारे देश में एवरेज मानी जाती है। दूसरे देशों में कुछ में ज़्यादा भी है, जैसे जापान वगैरह में ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम देखें कछुए को, तो कछुए का लाइफ स्पैन कितना है, वो होता है लगभग 300 ईयर, 300 साल तक जीवित रहता है। अगर हम देखें एक डॉग को देखो, कुत्ते को देखो, तो लगभग 15 साल तक जीवित रहता है। अगर हम देखें किसको, एक पीपल के पेड़ को देखें, तो पीपल का पेड़ लगभग 2500 से 3000 साल तक जीवित रहता है। अगर हम बरगद के पेड़ को देखें बनियन ट्रीज, तो बनियन ट्रीज ये जीवित रहता है लगभग 300 से 500 साल तक। ठीक है भाई, तो प्रत्येक जीव का एक लाइफ स्पैन है, लेकिन उस समय अवधि के दौरान अपने उस जीवन काल में, जो उसके जीवन काल है, उस जीवन काल में उसको क्या काम करना होता है। देखो जन्म हुआ, फिर वो युवा अवस्था में आएगा, युवा अवस्था तक पहुंचने के लिए प्रत्येक एज के अपने एक कार्य होता है। जब जन्म के बाद वो धीरे 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 वो पहला उसका बचपन आता है, फिर उसको टीनेज में पहुंचता है, टीनेज के बाद फिर युवा अवस्था में पहुंचता है। तो युवा अवस्था का मतलब क्या होता है, युवा अवस्था वह अवस्था होता है जब उसके अंदर जनन करने की क्षमता आ जाती है, मतलब वो अपने जैसे नए जीव पैदा कर सकता है, उसको बोलते हैं युवा अवस्था। फिर धीरे 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 वो क्षमता कम हो जाती है और बॉडी की जो क्रियाएं हैं वो स्लो होना शुरू हो जाएंगी, मतलब अंदर के जो कार्य है ना वो अपने आप धीमे पड़ जाएंगे, क्रियाएं कम होना शुरू हो जाएंगी, और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जिससे क्रियाएं रुक जाएंगी और हमारी डेथ हो जाएगी। तो इस प्रकार ये सभी जीवित वस्तुओं में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य में होता है, ये सभी जीवित वस्तुओं में ऐसा ही होता है। तो समय अवधि के दौरान अगर कोई जीव, सबकी फिक्स लाइफ है, अगर वो मर ही जाएगा, तो अगर वो मर गया तो पीछे तो उसकी प्रजाति ही लुप्त हो जाएगी, लेकिन इससे बचने के लिए जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। ठीक है भाई, तो जनन क्या हुआ, जनन क्या हो गया, जन्म हो गया अपने जैसे संतान उत्पन्न करना, मतलब जीवों द्वारा अपने जैसे जीव उत्पन्न करना जिनके अंदर उसके जैसे ही गुण हो, उसको बोलते हैं जनन। रिप्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर ओन टाइप। ठीक है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन मतलब जनन। देखो ये रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा जनन, एक बार तो वो खुद है
लेकिन उसने दोबारा जन्म करना है किसका, अपनी संतान का। तो जो पैदा करते हैं वो तो होते हैं जनक, और जो पैदा होते हैं उनको बोलते हैं संतान। आप लोगों को ये बात तो पता ही है, संतान या संतति कह सकते हैं हम, संतति। ठीक है, अब ये तो हो गया जन्म की परिभाषा। अब हम पढ़ते हैं कि जीव जन्म क्यों करते हैं, रीजन क्या है जन्म करने का। देखो, जैसा कि मैंने बताया, इस धरती के ऊपर प्रत्येक जीव का एक फिक्स लाइफ स्पैन है, प्रत्येक जीव की एक फिक्स पीरियड है यहाँ पे रहने का। तो उसके बाद अगर उसकी उसको अपनी प्रजाति को बनाए रखना है तो उसको जनन करना पड़ेगा। तो पहला तो रीजन ये हो गया भाई, क्या अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए क्या करता है, जनन करता है। दूसरा रीजन क्या है, अगर कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो संख्या के लिए ही जन्म करते हैं, मतलब उनकी अधिक से अधिक संख्या अगर होगी तो उनको अधिक फायदा मिलेगा, तो आप कह सकते हो संख्या को बढ़ाने के लिए भी हम या जीव जनन करते हैं। हमने सिर्फ मनुष्य के रिलेशन में नहीं देखना कि मनुष्य किस लिए जनन करता है, हमने सभी जीवों को लेकर चलना है कि जीव जनन क्यों करते हैं। तो अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, संख्या को बनाने के लिए, तीसरा अर्थ के ऊपर जीवन को बनाए रखने के लिए, धरती के ऊपर, धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिनके लिए जीव जनन करते हैं। तो दूसरा एक और ये कह सकते हो कि जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, निरंतरता मतलब लगातार धरती के ऊपर जीवन को बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। बिना जनन के किसी भी जीव की निरंतरता संभव नहीं है। अगर जनन नहीं होता तो हम नहीं होते, क्यों, एक ही बार जीव पैदा होता और मर जाता, आगे उसकी संतान अगर नहीं होती तो इस धरती पे शायद ही अब तक जीवन बचा रहता। तो जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। ये तो हो गया भी जीव जनन क्यों करते हैं। पहले मैंने बता दिया कि जनन क्या होता है, कि अपने जैसी संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जीव जनन क्यों करते हैं, जैसे मैंने बता दिया, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, संख्या को बनाने के लिए, धरती पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या, जनन के प्रकार, कितने प्रकार का जनन होता है। देखो, जनन होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का, जनन मुख्य रूप से होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। एक अलैंगिक जनन है और दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक को जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम एक एक करके दोनों को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, अलैंगिक मतलब जिसमें लिंगों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लिंग होते हैं, एक नर होता है, एक मादा, इन्हीं को लिंग बोला जाता है। तो नर और मादा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो प्रयोग किसका होगा, इसमें कोई एक ही जनक का प्रयोग होगा, एक जनक, या नर हो या मादा हो, सिर्फ एक जनक भाग लेगा संतान उत्पन्न करने में, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या हुई, एक ऐसा जनन जिसमें नई संतान की उत्पत्ति सिर्फ एक ही जनक से होती है, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, अब आगे अलैंगिक जनन के बहुत सारे टाइप हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले मैं ये बता देता हूँ कि लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन ऐसा जनन होता है जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, या ये कह लो कि जिसमें कोई जर्म सेल या जनन कोशिका भाग लेगी, उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। हम मोटे तौर पर ये बोल देते हैं कि ऐसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। लेकिन इस जनन में होता क्या है, नर और मादा दोनों भाग लेंगे, एक नर होता है और एक होती है भाई मादा। तो ये दोनों भाग कैसे ले सकते हैं। अब नर कुछ कोशिकाएं बनाता है,
उसके शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो जनन कोशिकाएं पैदा करते हैं। इसके शरीर में भी कुछ ऐसे अंग होते हैं जो जनन कोशिकाएं पैदा करते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। नर फिर क्या करता है, उस जनन कोशिका का नाम होता है युग्मक। तो जो युग्मक नर बनाता है उसको बोलते हैं नर युग्मक, जो मादा बनाती है उसको बोलते हैं मादा युग्मक। अब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों को मिलना पड़ेगा, फर्टिलाइज करना पड़ेगा। तो नर और मादा युग्मक दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें दोनों मोटाइल होते हैं, मतलब दोनों चलते हैं। जैसे शरीर के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो हो सकता है कि दोनों मोटाइल हों, पानी में चल के दोनों के एक दूसरे के पास आए। लेकिन कई बार क्या होता है कि नर युग्मक के अंदर ही मोटिलिटी होती है, मतलब ये चल सकता है, मादा युग्मक नहीं चल पाता। तो नर युग्मक को मादा युग्मक के पास जाना होता है तो दोनों के बीच में क्या होता है, निषेचन होगा, निषेचन। और निषेचन से जो बनेगा उसको बोलते हैं युग्मनज, युग्मनज। और युग्मनज के अंदर क्या होती है, वृद्धि। अब ये जो युग्मनज है ये एक कोशिका बनती है, दोनों के निषेचन से एक कोशिका बनी। अब इस एक कोशिका से ही पूरी की पूरी संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। अंदर जो बच्चा बनता है वो इस एक कोशिका से बनता है, युग्मनज से, इससे युग्मनज। ये एक कोशिका है, पहले ये दो बनेगी, फिर दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, चौसठ, इस तरह पहले कोशिका वो गुच्छा बनेगा, फिर उसमें अंगों का निर्माण होगा, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो युग्मनज के अंदर वृद्धि होगी, वृद्धि, और के वो क्या बन जाएगा, शिशु बन जाएगा भाई, बच्चा बन जाएगा। और जब बच्चे के अंदर सारे के सारे शिशु, जो सॉरी इसको शिशु भी नहीं कहेंगे, हम इसको भ्रूण कहेंगे, क्या कहेंगे, भ्रूण, भ्रूण बनेगा ये भ्रूण। जब तक माँ के गर्भ में होता है उसको भ्रूण ही बोला जाता है। जब भ्रूण में सारे के सारे अंग बन जाते हैं तो इसका हो जाएगा जन्म, ठीक है भाई। ये होता है लैंगिक जनन में, चाहे लैंगिक जनन किसी में भी हो रहा हो, चाहे पौधों में है, चाहे जीवों में है, सभी में ये मैकेनिज्म ही फॉलो होगा। मतलब नर और मादा होंगे, दोनों युग्मक बनाएंगे, फिर दोनों पास आएंगे, निषेचन होगा, युग्मनज बनेगा, फिर उसके अंदर ग्रोथ होगी और वृद्धि करके वो बन जाएगा भ्रूण, ठीक है। सभी में यही मैकेनिज्म फॉलो होना है। तो अलैंगिक जनन में इनमें से कोई भी काम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इन इसमें तो दो है, इसमें सिर्फ एक जनक है, तो इसमें जो काम होंगे वो इसमें कोई भी नहीं होगा। इसलिए अगर कोई अंतर पूछ ले आप लोगों से कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर बताइए, तो जो लैंगिक जनन में होता है वो इसमें नहीं होगा, वो सारे अंतर ही होंगे। पहला अंतर तो ये है कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न आ जाता है पेपर में कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में क्या अंतर है। अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं बनते। इसमें फिर निषेचन होगा, इसमें कोई निषेचन नहीं होता। युग्मनज बनता है, इसमें युग्मनज नहीं बनता, ठीक है भाई। ये जितने जो इसमें काम होंगे वो इसमें नहीं होते, ये बात याद रखना। एक और इसमें अंतर है, इसमें वेरिएशन ज्यादा आती है, इसमें जीवों में भी भिन्नता अधिक होती है, इसमें जीवों में भी भिन्नता, जो संतान उत्पन्न होती है उसमें भी भिन्नता कम आती है, उसका रीजन क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना थोड़ा सा अलैंगिक जनन को शुरू कर लेते हैं आज, अलैंगिक जनन को। तो अलैंगिक जनन के अलग अलग प्रकार है। अलैंगिक जनन में यह तो पता चल गया कि एक ही जनक भाग लेगा, लेकिन वो एक जनक अपनी संतान अलग अलग तरीके से पैदा करेगा। तो इसलिए अलैंगिक जनन के भी अलग अलग प्रकार हो गए हैं। तो अलैंगिक जनन के कौन कौन से प्रकार है वो हम स्टडी करते हैं, अलैंगिक जनन, ठीक है भाई। इसके प्रकार सबसे पहला हम पढ़ते हैं क्या, विखंडन। एक होता भाई विखंडन, एक है मुकुलन, ठीक है, और तीसरा होगा, एक होता है इसमें खंडन, ठीक है, एक होता है इसमें चौथा बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण, एक इसमें होता है पुनर्उद्भवन,
पुनरुद्भवन, एक होता है इसके अंदर छठा कायिक परिवर्धन, कायिक परिवर्धन। तो यह है, ये छह टाइप का अलैंगिक जनन है, एक विखंडन, मुकुलन, फिर खंडन, बीजाणु निर्माण, पुनरुद्भवन और कायिक परिवर्धन। मतलब ये छह तरीके से कोई जीव अपनी संतान उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वो जीव उसमें होगा एक ही, इसलिए इसको अलैंगिक जनन कह रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, सबसे पहले हमारा जो टाइप है विखंडन। विखंडन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विखंडन में विखंडन ये सबसे पहली बात एक कोशिक जीवों में होता है, एक कोशिक जीवों में। जो एक कोशिक जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कोशिका को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं विखंडन। ठीक है, परिभाषा बता रहा हूँ। विखंडन अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसमें कोई जीव या एक कोशिक जीव अपनी कोशिका को, क्योंकि उसके अंदर कोशिका है, कोशिका को दो संतति कोशिकाओं में या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में तोड़ देते हैं। तो ये तो हो गया भाई इसकी परिभाषा। ठीक है, लिखने की तो कोई जरूरत नहीं होगी। अब विखंडन जो होता है आगे, ये दो टाइप का होता है, एक होता है द्विखंडन और एक होता है बहुखंडन। ठीक है, बहुविखंडन कहेंगे, बहुविखंडन। अब नाम से ही पता चल रहा है द्विखंडन। जब कोई एक कोशिक जीव अपने कोशिका को दो संतति कोशिकाओं में तोड़ देता है या एक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में टूट जाती है, उसको बोलते हैं द्विखंडन, दो में टूटती है भाई। ठीक है, और इसमें दो से अधिक में, जब कोई एक कोशिक जीव अपनी कोशिका को दो से अधिक संतति कोशिकाओं में तोड़ देता है, या ये कहो कि ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें एक कोशिक जीव की कोशिका से एक से अधिक संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं बहुविखंडन। ठीक है भाई, तो द्विखंडन और बहुखंडन। अब पेपर में आते हैं उदाहरण कि द्विखंडन किसमें होता है, बहुविखंडन किसमें होता है, हम वो पढ़ते हैं, थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में उदाहरण ही आते हैं। तो एक कोशिक जीव जिनके अंदर द्विखंडन होता है, जैसे भाई एक है अमीबा, ठीक है, एक है पैरामीशियम, पैरामीशियम, और एक है भाई तीसरा लेस्मेनिया। ये एक कोशिक जीव है, लेस्मेनिया ऐसा जीव है जो काला ज्वर नाम की बीमारी फैलाता है, काला अजार। ठीक, पैरामीशियम और अमीबा, अमीबा का चित्र मैं कई बार बना चुका हूं। तीनों में द्विखंडन होता है, द्वि का मतलब इनकी कोशिका दो में टूटेगी। जैसे मैं बनाता हूं, सबसे पहले अमीबा में द्विखंडन, हम पढ़ चुके हैं कि अमीबा एक यूकैरियोटिक कोशिका है, ये अमीबा है, केंद्रक है, सारे इसके कोशिका के अंग हैं, इस प्रकार ये कोशिका होती है अमीबा की। अब जब इसके अंदर द्विखंडन होना शुरू होगा तो ये क्या करता है, तो इसका केंद्रक और कोशिका द्रव्य ये पहले थोड़ा खींचना शुरू होंगे, बीच में से पतला होना शुरू करेंगे, क्योंकि बीच में से इनको टूटना है। कैसे, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे, और केंद्रक भी इस प्रकार से, केंद्रक के अंदर होता है डीएनए, वो भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है भाई, अब फिर आगे बढ़ेगा, ये कोशिका द्रव्य थोड़ा और अंदर पिचकेगा इस प्रकार, केंद्रक टूट जाएगा, पहले ही केंद्रक चला गया, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, ये तो होगा केंद्रक का विभाजन। अब आगे क्या होगा, अब ये जो कोशिका द्रव्य बीच में बच गया, अब इसका हो जाएगा विभाजन, किसका, कोशिका द्रव्य का। तो क्या बन गया, दो संतति कोशिकाएं बन गई, किससे,
एक कोशिका से, इसको बोलते हैं द्विखंडन। ठीक है भाई, अमीबा में द्विखंडन इस प्रकार होता है, पेपर में कई बार आ चुका ये चित्र की अमीबा में द्विखंडन का चित्र बनाइए। तो क्या होगा प्रोसेस मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो अमीबा की कोशिका है, पहले इसके केंद्रक में विभाजन शुरू होगा, ये अपने आप को लंबा करता है, बीच में से कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मतलब बीच में से पिचक जाता है ताकि दो हिस्सों में टूट जाए। पहले केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद फिर इस कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा और दो संतति कोशिकाएं निकल जाती हैं। अब इस यहाँ देखो अमीबा एक ऐसा जीव जिसमें से दो कोशिकाएं बन गई, उसी में से दोनों संतति कोशिकाएं हैं, आगे फिर से यही काम करेंगी, दो इसमें से बनेंगी, दो इसमें से बनेंगी, इसी प्रकार द्विखंडन से। लेकिन ये अब देखो इसमें कोई जीव मरने के लिए बचा ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि अमीबा तो इमोर्टल हो गया। क्यों? क्योंकि इससे दो संतति बन गई आगे ही, तो मरने के लिए इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो मतलब वैसे जो देखा जाए तो अमीबा क्या है, इमोर्टल है, तो अमर हो गया। ठीक, बात समझ आएगी। अब ये तो हो गया भाई अमीबा के अंदर, अगर आप देखें किसके अंदर, पैरामीशियम में, पैरामीशियम की जो बॉडी होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ये स्लीपर एनिमल क्यूल्स इसको बोला जाता है, लेडीज स्लीपर जैसी इसकी बॉडी होती है, पूरी बॉडी पे सीरिया ही सीरिया होती है, इस प्रकार धागे जैसी संरचना होती है इसके शरीर पे, ये धागे जैसी रचनाएं जिनको बोलते हैं सीरिया। ठीक है, और पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं, एक बड़ा केंद्रक होता है एक छोटा केंद्रक होता है, तो ये भी ऐसे ही टूट जाएगा जिस प्रकार अमीबा टूटता है, ये बीच में से टूट जाता है, समझ गए। ऐसे ही दोनों केंद्रक टूटेंगे, पूरे केंद्रक टूटेगा तो एक केंद्रक एक में चला जाएगा, दूसरा दूसरे में चला जाएगा। अब बात आती है लैस्मेनिया की, लैस्मेनिया किस प्रकार का जीव है, लैस्मेनिया होता है अभी इस प्रकार से इसकी बॉडी होती है लैस्मेनिया की, यहां से निकलता है एक फ्लैजेला, ये फ्लैजेला है, ये ऐसा जीव है, इसमें भी लैस्मेनिया दो में टूटता है, मतलब ऊपर से इसमें डिवीजन शुरू होता है ऐसे, यहां से एक इस साइड बन जाएगा एक इस साइड बन जाता है, इस प्रकार लैस्मेनिया में द्विखंडन होगा। तो ये द्विखंडन की विधि है, अलग 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 जीवों में द्विखंडन की अलग अलग विधि है भाई, बात समझ में आएगी। अब ये हो गया द्विखंडन, इनके द्विखंडन में अंतर क्या है, इनके द्विखंडन में एक अंतर है इनके प्लेन का, मतलब देखो अमीबा जो टूटा है अमीबा में कोई निश्चित प्लेन नहीं होता, मतलब अमीबा ऐसे भी टूट सकता है, ऐसे भी टूट सकता है, इस प्रकार भी टूट सकता है, क्यों, क्योंकि इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। लेकिन अगर हम देखें पैरामीशियम को, पैरामीशियम में हमेशा ये ऐसे ही टूटेगा, इस बीच में से ऐसे टूटेगा, एक ऊपर एक नीचे, इसको ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। और ये जो लैस्मेनिया है ये ऊपर से ऐसे, ऊपर से नीचे तक, तो ऐसे लंबाई के हिसाब से दो में टूटता है, इसको लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, इसको ट्रांसवर्स, ठीक है, अनुप्रस्थ बोलते हैं आई थिंक, अनुप्रस्थ द्विविभाजन, और इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य द्विविभाजन, इस टाइप को। तो ये तो हो गए द्विविभाजन किस में, अमीबा में, पैरामीशियम में और लैस्मेनिया में। अब हम बात करते हैं द्विखंडन के दूसरा टाइप क्या था, बहुखंडन, बहुखंडन भी तो था ना, बहुखंडन, बहु खंडन। तो बहुखंडन में क्या होता है, इसमें एक जनक कोशिका से दो से अधिक संतति कोशिकाएं बनती हैं, और इसका एग्जांपल है ये किस में होता है, एग्जांपल इसका है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम को हिंदी में भी प्लाज्मोडियम भी लिखना पड़ेगा, जब प्लाज्मोडियम ऐसे, ठीक, तो मैंने ऐसे लिख दिया प्लाज्मोडियम, ये एक कोशिक जीव है ये भी प्लाज्मोडियम, और ये ऐसा जीव है जो मलेरिया फैलाता है, क्या फैलाता है, मलेरिया। अब तुम लोग कहोगे कि मलेरिया तो मच्छर फैलाता है, नहीं, मच्छर मलेरिया नहीं फैलाता, मच्छर इस प्लाज्मोडियम को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भेजने का काम करता है, मतलब वो एक वेक्टर का काम करता है, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर देगा,
और मलेरिया फैलाने वाला तो ये है और उसको ट्रांसफर करने वाला मच्छर है। तो प्लाज्मोडियम के अंदर बहुविखंडन होता है। कैसे होता है? जब ये कोशिकाएं इसकी कोशिका को जब बाहर से वातावरण अच्छा नहीं मिलता, मतलब हो सकता है बाहरी तापमान बहुत अधिक हो जाए या बाहरी तापमान बहुत कम हो जाए या खाने की कमी हो जाए, तो इसकी कोशिका क्या करती है, जैसे ये इसकी कोशिका है मान लो थोड़ी देर के लिए, तो इसकी कोशिका जो है अपने बाहर एक बहुत हार्ड कवर बनाना शुरू कर देगी, मतलब एक मोटी सी दीवार बना लेगी, थिक वॉल का निर्माण कर लेगी। ये थिक वॉल का निर्माण कर लिया क्यों? क्योंकि बाहर तापमान बहुत ज्यादा है या बहुत कम है या भोजन की कमी है। इस स्थिति को बोलते हैं सिस्ट, कि मतलब इसने क्या बना लिया, एक सिस्ट का निर्माण कर लिया। अब ये अंदर इसकी कोशिका है, अब अंदर ही अंदर ये बहुखंडन करेगी। किस प्रकार? पहले इसका जो केंद्रक है उसके अंदर विभाजन होगा। हम पढ़ चुके कैसे होगा, केंद्रक दो में टूट जाएगा। ठीक है, केंद्रक पहले दो में टूटा, फिर केंद्रक दो एक दो एक ये टूट जाएगा, एक ये दो हिस्से निकलेंगे, दो हिस्से कितने बन गए, चार बन गए, तो चार केंद्रक बन गए। फिर चार से क्या बन जाएंगे, आठ बन जाएंगे, ऐसे इस प्रकार। ठीक है भाई, आठ बन गए। अब क्या होगा, अब प्रत्येक केंद्रक के चारों तरफ कुछ कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा, इसके चारों तरफ भी, इसके चारों तरफ भी, इसके चारों तरफ भी, इसके चारों तरफ भी, इस प्रकार सभी केंद्रक के चारों तरफ कुछ कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो गया। अब ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक अपनी कोशिका झिल्ली का निर्माण कर लेंगे बाहर, इस प्रकार। ये 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 कहने का मतलब क्या है, इस सिस्ट के अंदर आठ कोशिकाएं बन गई। अब जैसे ही बाहरी तापमान अच्छा हो जाएगा, मतलब जो वातावरण खराब हो गया था, होस्टाइल कंडीशन थी, बहुत एडवर्स कंडीशन थी बार, अगर वो फेवरेबल कंडीशन में बदल जाएंगी, मतलब तापमान कम हो गया है, ज्यादा था तो कम हो गया है, अगर कम था तो ज्यादा हो गया है, मतलब ठीक हो गया है इसके जीने के लायक, तो ये जो वाल है, इसकी जो बाहर की जो दीवार है मोटी सी, ये फट जाएगी और ये जो सारी की सारी कोशिकाएं ये बाहर निकल जाएंगी। अब ये सभी नए जीव की भांति कार्य करेंगी। इस प्रकार बहुखंडन होगा, किसमें, प्लाज्मोडियम में। ये हमारे शरीर के अंदर ही होता है इस प्रकार से। एक और जीव जिसमें बहुविखंडन होता है वो अमीबा ही है। ये अमीबा, ये काम तो होगा फेवरेबल कंडीशन में, अगर बाहरी परिस्थितियां ठीक है। अगर बाहरी परिस्थितियां ठीक नहीं है, पानी का तापमान बहुत अधिक हो गया है, भोजन की कमी होगी, तो ये भी यही काम करता है सेम ऐसे ही। अपने बाहर एक बार दीवार बनाएगा ऐसे ही, इसकी वाल को मोटा सा कर लेगा, बहुत मोटा सा। ठीक है, अपने बाहर एक वाल, थिक वाल डेवलप करेगा और ये बन जाएगी सिस्ट। फिर इसका केंद्रक एक दो में, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, इस प्रकार टूट जाएगा।